क्या यूपीपीएससी ए एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी ए के एग्ज़ाम के बारे में, क्या पोस्टपोन होगा, तो इसी पे डिस्कस करेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे नए हो तो टेक्निकल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर ले। देखिए क्या हुआ था 2019-20 में जब आया था यूपीपीएससी ए का, तो उसमें भी जब कोविड का सिचुएशन था तो उसमें बहुत बार क्या हुआ था, 3 टाइम पोस्टपोन हुआ था। लास्ट में दिसंबर में इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, तो उसमें नॉर्मल सिचुएशन थे। बट अभी करंट टाइम में देखा जाए तो अभी सिचुएशन दिल्ली में देखोगे 4,000 से 5,000 केसेस कोविड के आ रहे हैं गाइस। उसके बाद अदर स्टेट महाराष्ट्र, केरला और यूपीपीएससी ए की बात किया जाए तो सभी स्टेट वाले एलिजिबल हैं, तो इसलिए सभी स्टेट वालों ने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा हो जाती है क्या पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेपर आपका 23 जनवरी को है। तो देखिए जो सिचुएशन लग रहा है, सिचुएशन इलेक्शन के वजह से पेपर ये करा भी सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन का मेन मोटिव है। इलेक्शन नहीं रहता तो आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट अभी भी चांसेस 50/50 मान के चर्चा, 50% चांस है कि पोस्टपोन हो सकता है, थोड़ा सा और कोविड का सिचुएशन बुरा हाल हुआ तो। अदरवाइज पेपर आपका हो जाएगा, जो जैसी सिचुएशन है, गवर्नमेंट की जैसी सोच है। क्योंकि यार देखो, अभी यूपीपीएससी का मेंस का पेपर है और वहाँ भी 31 जनवरी का वो भी एक पेपर है, यूपी टेट का पेपर है। सभी का डेट अनाउंस कर चुके हैं, अभी तक कुछ ऐसा न्यूज नहीं आ रहा है। और यूपी में ऐसा कोविड बहुत ज़्यादा अभी तक है नहीं, ये नोएडा में है। बट आप यूपी के अंदर इंटर करोगे, जैसे आप गाज़ियाबाद कह रहा हूँ आपकी, प्रयागराज जाते हो, लखनऊ जाते हो, गोरखपुर साइड जाते हो, तो वहाँ कोविड का ऐसा सिचुएशन है। बट है कोविड, अभी इतना निकल के नहीं रहा, बट कोविड है। तो आपका क्या राय है, पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में। मेरा तो मानना है कि पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड सिचुएशन बहुत बुरा हाल है अभी दोबारा से जो हो रहा है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।